और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ेगी। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा आम चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी आपके यहाँ मध्य प्रदेश में भी विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों, खासकर छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों वे अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका यह आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। और इस मामले में लगभग यही स्थिति हमें यहाँ के मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें
मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है। वैसे इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।